तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं टीटीआई मोड के बारे में। ये टीटीआई मोड कैसे वर्क करता है, कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, साथ में अगर आप इसको ऑन करते हैं तो इससे आपको क्या दिक्कत मिल सकती है। सबसे पहले यहां पे बात करते हैं कि कैसे आप इसको इनेबल कर सकते हैं। तो जो आपको यहां पे डायलर मिलता है, उस डायलर के आप सेटिंग वाले ऑप्शन में जाते हैं तो सेटिंग वाले ऑप्शन में एक आपको एसेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, और उस एसेसिबिलिटी वाले ऑप्शन में जाते हैं तो आपको वहां पर टीटीआई मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और जहां पर आप टीटीआई मोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने में तीन ऑप्शन वहां पे मिलते हैं। टीटीआई फुल का ऑप्शन मिलता है, टीटीआई एसईओ का ऑप्शन मिलता है, और टीटीआई वीसीओ का ऑप्शन वहां पे देखने को मिल जाता है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं टीटीआई मोड किसके लिए ये बनाया गया है, कौन सा फीचर ये यहां पे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों टीटीआई मोड उसी के लिए है जो काफी कम सुनते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता है उसके लिए दोस्तों ये फीचर देखने को मिल जाता है। इसको ऑन करके क्या होता है कि जो ऑडियो होती है वो ऑडियो की लाउडनेस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। पर दोस्तों इसको यूज करने के लिए एक टीटीआई मशीन होता है, उस टीटीआई मशीन के थ्रू ही दोस्तों इस मोड को इनेबल करके आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं। जब आप टीटीआई मशीन यहां पर यूज करते हैं तो आपको क्या करना है, जो आपके मोबाइल में 3.5mm जैक मिल रहा है उसको दोस्तों आपको टीटीआई मशीन से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आप जब कनेक्ट कीजिएगा तो आपको मोबाइल में वहां पर टीटीआई का एक वहां पर लोगो मिल जाता है, वो एक नोटिफिकेशन वहां पे शो हो जाता है, या आप चाहे तो डायरेक्ट ब्लूटूथ से भी दोस्तों उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आप फोन से किसी पे कॉल लगाइएगा तो कॉल लगाने के बाद दोस्तों आपको टीटीआई मशीन में वहीं पे रिसीवर मिल जाता है, डायरेक्ट वहां पे रिसीवर को आप उठा सकते हैं, और उठाने के बाद दोस्तों आपको वहां पे ऑडियो सुनने को मिलेगा। अगर आपको काफी कम सुनाई दे रहा है तो वहां पे जो भी बंदा दूसरा बंदा वहां पे कुछ बोलता है तो उसका ऑडियो वहां पे ऑटोमेटिक दोस्तों स्क्रीन में देखने मिलता है, वहां पे ऑटोमेटिक टाइपिंग होना चालू हो जाता है, तो पढ़ के वो बंदा समझ जाता है कि दूसरे तरफ से क्या बोला जा रहा है। और उसी प्रकार से वो जो टीटीआई मशीन होता है, उस टीटीआई मशीन में दोस्तों आप टाइप भी कर सकते हैं, और टाइप करने के बाद वो जो टाइपिंग होता है वो ऑटोमेटिक ऑडियो में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरे बंदे के पास ऑडियो में वो सुनने को मिल जाता है। इस प्रकार से दोस्तों ये आपको टीटीआई मोड फीचर देखने को मिल जाता है। अगर आपके पास टीटीआई मशीन नहीं है और अगर आप इसको यहां पे ऑन कर लेते हैं तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये मिलता है कि टीटीआई मोड को जैसे आप यहां पे ऑन कीजिएगा तो आपके मोबाइल से किसी दूसरे बंदे को अगर कॉल कीजिएगा तो कॉल दोस्तों वहां पे नहीं लगेगा, पर दूसरे बंदे का कॉल आपके पास रिसीव हो जाएगा। साथ में दूसरे प्रॉब्लम ये भी मिलती है कि टीटीआई मोड को ऑन कीजिएगा तो ऑन करने बाद दोस्तों वहां पे जो आपको वीडियो कॉल का ऑप्शन देखने मिलता है, वीडियो कॉल का जो फीचर है वो दोस्तों वहां पे वर्क करना बंद कर देता है। तो अगर आप यहां पे टीटीआई मोड को ऑन करके रखे हुए तो आप उसको ऑफ कर ले जब तक आपके पास टीटीआई मशीन है, तो इस फीचर को दोस्तों आपको यहां पे यूज नहीं करना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।